टू माय चैनल फिटनोमेट्री बंसी। जब बीमारी आती है और हम सॉल्यूशन फाइंड करने जाते हैं और दवाई फाइंड करने जाते हैं, हमें कोई दवाई मिलती नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, राइट? तो जब बीमारी आती है उसके पहले ही हम किसी चीज का सॉल्यूशन फाइंड कर ले तो योगासन या फिर योगा या फिर योगा अभ्यास भी कह सकते हैं, वो एक ऐसा हमारा भारतीय संस्कृति का योगदान है जो हम सबके लिए आशीर्वाद रूप है, जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने ये अपनी संस्कृति का उपयोग ना करने की वजह से बहुत सफर करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कोविड की वजह से ऑक्सीजन की लेवल जो सबके बॉडी में कम हो रही है, उसके वजह से लोगों को खुद को तो परेशानी होती ही है, अपने परिवार वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो क्यों ना हम उनकी परेशानियों को कम करके थोड़ा योगाभ्यास कर लें। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो इसीलिए मैं लाई हूँ ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़े, आप कोई भी रोग से बचने के लिए एक स्टेप आगे रहे और अपनी लाइफ को इजी बना सके। तो आज हम देखेंगे ये प्राणायाम्स। 4 प्राणायाम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस प्राणायाम को शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बिना खाए हम एक दिन भी नहीं जी पाते हैं, राइट? रात को नींद भी नहीं आती है। तो अपनी बॉडी के भी लिए ऑक्सीजन इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड के मिली सेकंड भी अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप रोज, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि रोज आप 15 से 20 मिनट प्राणायाम जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बट इसके पहले मैं थोड़ी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसको आप फॉलो करें। So here I am sharing some instructions before doing any pranayam or yoga. So first instruction ये है कि आपको खाली पेट ही योगा करना है। जब भी आप योगा करें, खाने के तुरंत बाद योगा अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप योगा अभ्यास कर सकते हैं। Second instruction ये है कि आपको सुबह जल्दी उठ के योगा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सुबह के टाइम में होता है, 4 से 6 o'clock या फिर 7 o'clock भी आप कर सकते हैं। पर जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करते हैं तो फायदे तो अचूक होते हैं। तो सुबह उठने का ट्राई करें और सुबह का टाइम जो ऑक्सीजन होता है उसका भरपूर फायदा उठाने का ट्राई करें। सुबह के टाइम ही योगा या प्राणायाम करें, वो सबसे बेहतर रहेगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी आप प्राणायाम या योगा करें तो प्राणायाम एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स तक करना चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कम करने से आपको फायदे नहीं मिलते हैं। एटलीस्ट आपको 20 मिनट्स का प्राणायाम करना चाहिए ताकि आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो आपको ये 3 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जब भी आप योगा या प्राणायाम करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें सांस लेनी है और छोड़नी है। भस्त्रिका करने के लिए 3 स्पीड में हम कर सकते हैं, एक तो फास्ट है, मीडियम है एंड स्लो है। फास्ट वो लोग नहीं कर सकते जिनको हड्डियां की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जिनको हृदय रोग की बीमारी है, तो उन लोगों को फास्ट नहीं करना है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है? बाकी के लोग जो है वो जो हेल्दी है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो फास्ट भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। और जिनको बीमारी है जो मैंने बताई, उनको स्लोली भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ओके, तो दो रास्ते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के। एक तो हम ऊपर हाथ लेके नीचे हाथ ला सकते हैं, दूसरा वे है हम आगे पीछे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वे से हम करेंगे, सांस जब हम लेते हैं तो हाथ ऊपर जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ऐसे छक्के से हम नीचे लाते हैं, ठीक है? तो हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऐसे करके हम 10-10 काउंट करेंगे। अब जिनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अंधेरे जैसा लग रहा है तो वो थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा ऐसे लगे कि थोड़ा डीजी फील हो रहा है अभी करने के बाद तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। थोड़ी देर ब्रेक करने के बाद 5-5 काउंट में करें, ठीक है? सो द सेकेंड
करना इज कपालभाति। कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए कि जो भी गर्ल जो कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको हार्ट डिजीज है या फिर ब्लड प्रेशर का इश्यू है, हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति करने के लिए आप तो कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में, या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं आप। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ सिद्धासन में बैठी हूँ, तो आप ऐसे नॉर्मल कंफर्टेबली या सिट कर सकते हो, बैठ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस लेनी नहीं है, सिर्फ सांस आपको छोड़नी है। तो पहले आपको सांस को अंदर डीप ब्रीदिंग करना है, पूरा भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ सांस छोड़ना है। हर बार आपको सांस छोड़ना है, आपको सांस लेनी नहीं है। तो आप सांस जब छोड़ते हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं, तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपना जो हाथ है, दाहिना हाथ है जो, वो आप अपने पेट पे रख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आप डीप ब्रीथिंग करिए और सांस छोड़िए। ऐसे आपको कितने काउंट्स करने हैं, राइट? तो आप 40 से 50 काउंट्स कर सकते हैं एक बार में, फिर ब्रेक ले लेंगे। आप ऐसे कितने भी काउंट कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। जितना कपालभाति आप ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि हम वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वज्रासन में बैठ के भी दिखा सकती हूँ। ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए, आपकी जो करोड़रज्जु है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट बैठना है, कंफर्टेबली अपने को बैठना है, और फिर हमको करना है कपालभाति। सांस एकदम डीप ब्रीदिंग करनी है हमको पहले, उसके बाद में सिर्फ सांस छोड़नी है। उसके लिए हम अपने पेट पे हाथ रख के भी चेक कर सकते हैं। जब भी हम कपालभाति करते हैं तो अपने को अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन आपके फेस के ऊपर नहीं होने चाहिए, लाइक नाक ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर अपने जो अपना जो फोरहेड है उसके ऊपर क्रीजेस नहीं पड़नी चाहिए। आप एकदम नॉर्मली करना है आपको, ये पेट की ही मूवमेंट होनी चाहिए, आपके ऐसे शोल्डर भी ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है और कपालभाति प्राणायाम एटलीस्ट 50 काउंट तक करना है। ठीक है, तो ये था सेकंड प्राणायाम कपालभाति। तीसरा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी कि भंवरे के जैसे गुंजन करना है उसको, लाइक किसको नहीं करना चाहिए प्राणायाम, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कान में कुछ तो इन्फेक्शन है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको दोनों हाथों में से पहली जो उंगली होती है उसको फोरहेड पे रखना है हमको, फिर बाकी के तीन जो उंगलियां है वो हम अपने आंखों के ऊपर हल्के से रखेंगे, बहुत दबाना नहीं है उसको, हल्के से हम जैसे बॉल बनाते हैं उसको बॉल बना के रखना है। ऐसे रहा हमारा ऐसे थम को हम क्या करेंगे, अपने जो कान के जो दरवाजे होते हैं वो हम बंद कर देंगे। ठीक है, और जब हम कान के दरवाजे बंद करते हैं तो हमको बाहर की आवाज आनी बंद हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, गहरी सांस भरनी है, उसके बाद में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमको भंवरे के जैसे गुंजन करना है अपने मुंह बंद करके। देखिए मैं कैसे करती हूँ।
पांच पांच के काउंट पे आप तीन काउंट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ये फायदेमंद है स्टूडेंट्स के लिए, जिनको याद नहीं रहता है इनके लिए ये सबसे फायदेमंद प्राणायाम है। स्टूडेंट्स को ये प्राणायाम हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट तक ये प्राणायाम जरूर करें। फिर आता है चौथा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम बहुत पॉपुलर प्राणायाम है जो हर कोई करता है, छोटे बच्चे भी करते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी वो स्लोली करते हैं वो प्राणायाम, ठीक है। तो सबसे पहले उसको कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप कोई भी पोजिशन में बैठ सकते हैं कम्फर्टेबली, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन और वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कोई भी मुद्रा पसंद कर ले। जब भी दोनों हाथ से हमें प्राणायाम करना होता है तो हम मुद्राएं करते हैं, ये है ध्यान मुद्रा जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम आती है, तो ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और इसके लिए अनुलोम विलोम के लिए हम एक मुद्रा है जो हम एक हाथ की मुद्रा में कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा हाथ हमारा जो होता है वो सांस लेने में और छोड़ने में यूज होता है, तो वो होती है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा में कैसा होता है कि लाइक अपनी पांच उंगलियां जो होती है उनको हमें स्ट्रेट रखना है, अंगूठे को हमें ऐसे बंद करना है, उसके बाद में ऐसे मुट्ठी बनानी है, वो हाथ हमको साइड में रखना है अपने नीज पे, ठीक है। अब दूसरा हाथ जो है हमको वो सांस लेने में और छोड़ने में यूज करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने थंब को अपने राइट नोज पे रख दीजिए, ताकि आपका राइट नोज है वहां से आप सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब आपको लेफ्ट नोज से आपको सांस भरनी है, ऐसे आपको राइट नोज बंद करना है, लेफ्ट नोज से आपको सांस भरनी है। जब भी आप उंगली मतलब डीप ब्रीदिंग आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो नोस्ट्रल जो है वो बंद कर देनी है। जब भी आप वो नोस्ट्रल बंद करते हैं, अगर आप सांस रोक पा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आप थंब को खोल दीजिए। आप जो दूसरा नाक जो आपने बंद किया है, राइट नोज जो आपने बंद किया है, उसको आप खोल दीजिए। देखिए फुल मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप राइट नोज को बंद कीजिए, लेफ्ट नोज से आप सांस भरिए, लेफ्ट नोज को आप बंद कर दिए और राइट नोज को आप खोल दीजिए और वहां से आप सांस छोड़ दीजिए। अब आपको जहां से आपने सांस छोड़ी है, यानी कि राइट नोज से आपकी सांस छोड़ी है, तो आपको वहां से सांस अगेन भरनी है, राइट नोज बंद करना है, लेफ्ट नोज खोल देना है। अगेन आपको लेफ्ट नोज से सांस भरनी है, राइट नोज से आपको छोड़ देना है। ऐसे ही आपको 10-10 के आपको काउंट करने हैं और आपको ये 15-20 मिनट्स एटलीस्ट करना है। ये प्राणायाम जो है वो सबसे फायदाकारक है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम इसमें करते हैं डीप ब्रीदिंग और दोनों नोस्ट्रल से हम करते हैं, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये थे 4 प्राणायाम जो मैंने आपके साथ शेयर किए, वो है ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। बट ये सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ाता नहीं है, कई सारे ऐसे बीमारियां भी हैं, जैसे कि माइग्रेन का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो भी इससे रिमूव होता है, लाइक जड़ से वो निकल जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने माइग्रेन के प्रॉब्लम को प्राणायाम से भी दूर किया है और कुछ योगासन है जिससे मैंने ये दूर किया है। तो आप भी ये 4 प्राणायाम जो है अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, आपको कोई भी बीमारी से आप बच सकते हैं। अगर बीमारी हो भी गई तो आप में इतनी शक्ति होगी, आपकी बॉडी में इतनी शक्ति होगी कि आप उस रोग को आप हरा पाओगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप कल सुबह से ही आप ये स्टार्ट करने वाले हैं, आप प्राणायाम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।